वेलकम फ्रेंड्स, लंदन द चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू अपकमिंग एग्जाम ऑफ APDCL एंड आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड का एग्जाम्स के रिलेटेड। ठीक है गाइस, और इस एग्जाम्स के लिए आप लोगों को कैसे करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्या क्या बुक्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने का पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं डेली जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल में शेयर करता हूँ। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आप लोगों को कैसे करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा और क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अखोमिया प्रतिदिन जो पोर्टल है उसमें बोला गया है कि डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा অতি শীঘ্রে 2000 নতুন পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সময়ত পুনৰ প্ৰকাশ পাব আন 2000 পদৰ বিজ্ঞাপন। ঠিক আছে গাইজ, তো আবি 10,000 জো পোষ্ট কা जो अभी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा इन फ्यूचर में वो 10,000 पोस्ट, तो टोटल 20,000 पोस्ट का बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट आएगा। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज बोलूंगा कि आप लोगों को कैसे करके प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, और टॉपिक वाइज मैं बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश। तो आप लोगों को इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसा करके करना पड़ेगा, उसके लिए द बेस्ट मतलब जो है कि प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उसका ऊपर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कोई भी एग्जाम हो, आसाम टेट हो, APDCL हो, या फिर आपका ASLRM एग्जाम हो, ठीक है गाइस, तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग बेस्ट है कि ग्रेड अप का जो बायजूस का जो ऐप है, ठीक है गाइस, दिस इज द बेस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज मतलब इंग्लिश का जितना भी सारा टॉपिक है उसमें आप लोग प्रिपरेशन कर सकेंगे। एंड आसाम का जो मतलब रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है वो APDCL का ही हो, नहीं तो APSC का ही हो, मतलब आसाम का रिक्रूटमेंट का एग्जाम्स के लिए आप लोगों को ग्रेड अप में प्रैक्टिस करने से सफिशियंट है। और एक ऐप है कि इसका नाम है टेस्ट बुक, ठीक है, ये दो ऐप अगर आप लोग मतलब फॉलो करेंगे, अगर आप लोगों का बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है, बेसिक आप लोग जानते हैं टेंस, वॉइस चेंज, देन नरेशन, प्रीपोजिशन, तब आप लोग क्या होगा, इन दो ऐप से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों का मतलब बोला जाता है कि 90% क्लियरेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आप लोग मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश के लिए आप लोग ये दो जो ऐप है, ग्रेड अप का बायजूस ऐप एंड टेक्स्ट बुक ऐप, इन दो ऐप से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सफिशियंट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे फॉलो करें, तो मैंने मेरा जो मतलब सिलेक्शन जो एग्जाम हुआ था जिसमें मतलब मेरा रिक्रूटमेंट का टाइम में मैंने जितने जैसे प्रैक्टिस किया था, तो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो एस चंद का, RS अग्रवाल का जो मतलब सीरीज है गाइज, ठीक है गाइज, आप लोग देख लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये वाला बुक इज द बेस्ट बुक। इसमें से आप लोग हर टॉपिक का प्रैक्टिस कर सकेंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन टॉप लेवल होगा। मतलब आसाम का एग्जाम्स के लिए जितना भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाए, जितना भी रिक्रूटमेंट हो जाए, अगर आप लोग इस बुक को मतलब कंप्लीट कर पाएंगे तो आप लोगों का मैथमेटिक्स का आपका मतलब 90% क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग एक बड़ा पार्ट है और रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा कि ये वाला जो बुक है, ठीक है गाइस, आप लोग देखिए, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है गाइस, आप लोगों को इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खुद भी जाके नाम टाइप करके इसका नेम आप लोग खरीद सकते हैं। ये वाला भी बुक एस चंद प्रोडक्ट मतलब सीरीज का है और RS अग्रवाल का है। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज मोटा मोटी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का इससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ऊपर में मैंने जो दो ऐप का नाम दिया था, ठीक है गाइस, बायजूस एंड टेस्ट सीरीज टेस्ट बुक, उससे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप लोग कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे आसाम में। ठीक है गाइस, दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों को ये बात शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आप लोग कहाँ से प्रिपेयर करें, बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि अभी ASLRM का एग्जाम में जनरल नॉलेज आपका 40 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स और डोमेन बेस्ड क्वेश्चन मिला के 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है गाइस, तो इसके लिए प्रिपरेशन करना है, और APDCL का एग्जाम में भी एटलीस्ट 30 मार्क्स का तो आएगा जनरल नॉलेज, तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आप लोगों को इंडिया एंड आसाम दोनों कैटेगरी का देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ GK बुक्स। ठीक है गाइस, एक है GK बुक आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा है YouTube चैनल एंड तीसरा है न्यूज़पेपर। GK बुक अगर आप लोग बात करें तो आसाम के लिए, ठीक है गाइस, आसाम यार बुक 2023 मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग खरीद लीजिए। अगर इस बुक को आप लोग कंप्लीट कर पाए तो आप लोगों का जनरल नॉलेज का
आसाम का जितना भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और कुछ बुक है कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है आसाम में, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में, तो इसके लिए आप लोग ये जाने ने बोल के एक मतलब बुक मिलता है मार्केट में। इस बुक को अगर आप लोग खरीद के कंप्लीट कर पाए तो आप लोगों का 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप लोगों का जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। मोर ओवर अगर आप लोग और अच्छा से प्रिपरेशन कर पाए तो इसके लिए आप लोगों को न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा। आसाम ट्रिब्यून फॉलो करने से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का करंट अफेयर। और जिन लोगों को मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकेंगे। जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं डेली जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आसाम का भी इंडिया का भी शो करता हूँ, दिखाता हूँ, आप लोगों को हेल्प करता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल से भी हेल्प ले सकेंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग को ऐसे जो इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है, कोई भी यूट्यूब चैनल देखने से आप लोगों को जो आप लोगों का जो मोटिव है एग्जाम क्लियर करना, वो आप कर नहीं पाएंगे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ किसी मेरा चैनल ही देखिए, बट आप लोगों को सिलेक्टिव चैनल देखना पड़ेगा गाइस। कोई भी चैनल से आप लोग अगर आप लोग अपने का प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को बाद में यही लगेगा कि यूट्यूब से पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो आप लोगों को सिलेक्टिव यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, वो आपका ऊपर बेस करता है कि आप कैसे करके सिलेक्ट करते हैं कौन सा बेस्ट यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको देखिए, फॉलो कीजिए। ठीक है गाइस, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जीके के लिए आप लोग आसाम यार बुक पढ़िए, जाने नहीं ये वाला बुक पढ़िए, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए और न्यूज़पेपर भी अगर हो सके तो पढ़िए, आप लोग कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो गाइस ये तो था कंप्लीट लर्निंग स्ट्रेटेजी, कैसे करके आप लोगों को ASLRM और APDCL का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। रिगार्डिंग दिस अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प करने का ट्राई करूंगा। और गाइज ये वाला वीडियो आप लोगों को जस्ट हेल्प करने के लिए था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइज, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है।